हाय गाइस, तो निकल पड़े हैं सुबह सुबह सुपौल के लिए। सहरसा से सुपौल के लिए बस ही ऑप्शन है, ट्रेन भी है लेकिन अभी मॉर्निंग टाइम पे ट्रेन नहीं है। वो पहला ट्रेन जो है वो 11 बजे है और हमें पहले ही पहुंचना है, तो इसके लिए बस पकड़ेंगे। और लोकल बस तो सारा ऐसा ही है, देख सकते हैं यही बस है जो जाएगी। यहाँ से 1.5 घंटा ना 2 घंटा जैसा लगता है सुपौल पहुँचने में, तो चलते हैं इसी बस से, देखते हैं बस का जर्नी। मज़ा इसका भी अलग ही मज़ा है, रूट वैसा ही है, एकदम इसी टाइप का रूट है, ढोल वोल पूरा उड़ते रहेगा, सही है, एकदम मज़ा आने वाला है। यार यहाँ का लोकल बस स्टैंड इसको बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं क्या है ही, एक्चुअली बस इससे जाना है। पता नहीं अगला 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत ये होने वाला है, लेकिन कोई नहीं, सब सही ही है, चलते हैं, बने रहिए, आगे और दिखाते रहेंगे। जो लोग इस सुपौल आना चाहते हैं देख ले कैसा क्या है। वाह, सीट है ये, देखिए ये इसका कुछ मतलब है, मतलब ये सीट रिजर्व्ड है, पूरा खाली ही भरेगा तभी निकलेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सुपौल गाइस, सुपौल पहुंच चुके हैं, हमें लगभग 2 घंटा जैसा लग गया, 2 घंटा लगा हुआ वहां से आने में, 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं 1.5 घंटा लगा है उसी के आसपास। रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था बहुत ही ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं था, वो कहीं रोड मिला ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे गली गली होके आ रहे हैं, मतलब मेन रोड कहीं मिला ही नहीं। पहुंच गए हैं अभी, देख रहे हैं कुछ इधर खाने वाने का सीन बन जाए तो नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे मीटिंग के लिए। सॉरी मीटिंग क्यों बोल रहे हैं, सुपौल यूनियन में जाएंगे, थोड़ा देखेंगे वहाँ क्या सीन है, कैसे मिल प्रोक्योर करते हैं। सुपौल एकदम से नदी किनारे है, बिहार का एकदम से इंटीरियर एरिया है ये, सब डेवलप ज़्यादा तो नहीं है लेकिन आने वाले दिन में हो जाएगा और होना भी चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से ये रोड भी बहुत ज़्यादा धूल वगैरह है, देखिए यहाँ ब्रिज बनने वाला है। वीडियो बनाने का एक चीज़ है कि सारे लोग देखते हैं, मतलब एक बार नोटिस करते हैं क्या कर रहा है ये, कोई नहीं अभी आप अपने फोन पे देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, अभी लोग जो देख रहे हैं देखने दो, कुछ नहीं अपना अपना काम करो भाई, कहीं तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा ढंग का जहाँ कुछ नाश्ता वगैरह कर सके, बात करते एक आध लोगों से, नहीं तो आगे सामने मंदिर या चौराहा ही, चौराहा है वो, हाँ वहाँ पे कुछ तो मिलना चाहिए। अच्छा
लेकिन दूर है यहाँ से, नहीं भी तो 600 मीटर होगा या 500 मीटर। चौराहा जाने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते में ही एक ढंका दिख गया है शुभ लक्ष्मी के नाम से, यहीं ब्रेकफास्ट कर लेंगे अभी, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, देखने से तो अच्छा लग रहा है इसके लिए। इधर बेकरी का है राइट साइड में, इसी का होगा। पूरी छोला मिल रहा है गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पूरी छोला खा लेंगे, पूरी गरम गरम छान रहे हैं लोग, अच्छा लग रहा देखने में। एक्चुअली ऑयली खाना पसंद नहीं है ज़्यादा, स्पेशली जब ट्रैवलिंग करते हैं तो, क्योंकि पूरी गरम गरम है, तेल से तो भरा पड़ा है, एकदम से हाइजीन नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, ये ऑप्शन। तो गाइस सुपौल में हमें नाश्ता मिल गया है, खुशी मिल रही है इसलिए कि मतलब ऐसा एरिया था कि लग नहीं रहा था कि कुछ मिलेगा, बस लग रहा था रोड साइड पे बस लिट्टी वगैरह जो मिलता है वही मिलेगा, लेकिन पूरी गरम गरम मिल रहा है, इस बात की हमें खुशी है, और थोड़ा ढंका जगह है बैठने का इसके लिए सही है, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे पूर्णिया तो उसमें भी टाइम लगना है, तो कुछ खा पी के निकलेंगे तो सही रहेगा। चलिए गाइस तो नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं, बात करते हैं। We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. तो गाइस नाश्ता हो गया है, थोड़ा बस स्टैंड अभी पेड़ उड़ गया है तो चलने का मन नहीं था इसके लिए हवा हवा पकड़ लिया। तो जो लोग सुपौल आते हैं और कुछ उन्हें नाश्ता वगैरह या खाना वगैरह खाना है तो बस स्टैंड के सबसे नियरेस्ट यही है, और भी होगा और इससे ढंका भी होगा, ऐसा नहीं कि यही एक ऑप्शन है, लेकिन नियरेस्ट में सबसे पहला ऑप्शन यही है जहाँ आप लोग नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। तो सुपौल आइएगा तो ये रास्ता ज़रूर याद रखिएगा कि इधर ही आना है आपको, इधर उधर और कहीं नहीं जाना है, यहीं आइएगा, सबसे नियरेस्ट यही है बस स्टैंड के, तो इजी होगा, नहीं तो फिर भटकना पड़ जाएगा अगर कोई और डायरेक्शन में चले गए, हो सकता है कि उधर कोई और भी होगा तो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं अगर जिनके पास टाइम है तो। वाह वाह स्वागत है हमारा, रोड साइड वीडियो बनाइए तो ध्यान रखिए एक चीज़ की, रोड पे गाड़ी भी चलता है, तो ऐसा नहीं कि वीडियो में ही ध्यान लगाए रखिए। क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है, ये देखिए सामने दिख रहा है सुधा डेरी सुपौल कोसी दूध। गाइस ये सुपौल डेयरी जो बिहार का सुधा डेयरी है ना सुपौल में है, कोसी के नाम से जाना जाता है, कोसी दूध उत्पादक। हालांकि कुछ लोग कोसी के नाम से पूर्णिया भी समझते हैं लेकिन यहाँ का नाम है कोसी।
अभी चलेंगे अंदर, देखते हैं क्या दिखा सक पाएंगे आप लोग को। सिक्योरिटी का एस चला गया, कोई बात नहीं, ऐसे सुजीत है ना। कोसी दुग्ध संघ सुपौल, कॉम्फेड गन्ना यूनियन में एक यूनियन ये भी है। प्रॉपर सेक्शन, प्रोक्योरमेंट सेक्शन, एंट्री करते हैं इनका ऑफिस, आई मीन चेंबर। ये बाल्टी है इसमें जो रखा हुआ है के लिए, बाल्टी पाँच के जी का, फिर वो 10 केजी का छोटा यूनियन है गाइस, ये सुधा वादा शुद्धता का। हाँ सही है, ये स्टोर है इनका। यहाँ पर डे कितना है कैपेसिटी यहाँ का? 1 लाख लीटर। 1 लाख लीटर पर डे, मॉर्निंग इवनिंग दोनों मिला के, या एक एक सेशन का? अच्छा, देख लीजिए गाइस, यहाँ का पर डे का प्रोक्योरमेंट है अप्रोक्स 1 लाख लीटर, मतलब मॉर्निंग इवनिंग दो शिफ्ट में कलेक्शन होता है मिल्क। अगर दोनों शिफ्ट का देख लें तो 1 लाख है, फिर भी इसको छोटा माना गया क्योंकि बरौनी वगैरह या पटना वगैरह का ज़्यादा कैपेसिटी है। एक्चुअली थोड़ा मॉर्निंग में आने से सही रहता है, ये लोडिंग वगैरह दिखा सकते थे कि मिल्क कैसे लोड हो रहा है या फिर कैसे अनलोड हो रहा है। ये एक्चुअली ये वैन है, मिल्क वैन है, तो ये सोसाइटी से व्हील्स, ये बीएमसी से आता है मिल्क, यही अनलोड कर देता है इन लोग, फिर इन लोग आगे ले जाकर पैकेजिंग कर देते हैं। तो जब भी मैं वर्कआउट अपना वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे सांस चढ़ रही, बिकॉज मैं इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद बनाता हूँ। भाई कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है तो आपके दिमाग में, मेरे शरीर में नहीं। तो आपने सी तरुण गिल को सुना ही, बिल्कुल वैसा ही अपना भी हाल हुआ पड़ा है। थोड़ा वर्कआउट किए नहीं, थोड़ा पैदल चले नहीं, सांस ऊपर नीचे। खैर सी तरुण गिल का तो पता नहीं वो क्या है, लेकिन मेरा तो भाई रीज़न है, मेरा पेट निकला हुआ है ना कुछ ज़्यादा ही, इसकी वजह से। इसलिए बोलते हैं एक्सरसाइज ज़रूरी है, फिट रहिए, यही काम आना है और कुछ नहीं काम आना है लाइफ में। स्वस्थ रहिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा सोचिए, सब सही रहेगा। तो गाइस यही था हमारा आज का प्लान, तो मैं ज़्यादा घुमा नहीं पाया, किसी और दिन घुमाऊंगा और इससे बेटर वाला घुमाऊंगा, क्योंकि ये उस इसमें इस प्लान में कुछ ज़्यादा कुछ दिखाने का नहीं। तो चलते हैं, निकलते हैं, किसी और दिन घुमाएंगे। फिलहाल बस स्टैंड तो आ गए हैं, यहाँ से हमें पूर्णिया निकलना है। पूर्णिया प्लान दिखाएंगे क्योंकि पूर्णिया में अभी न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वहाँ पे कुछ अच्छा है, इससे बेटर ही है। तो ये यहाँ के बस में बैठ चुके हैं, एक्चुअली ये डायरेक्ट पूर्णिया का बस नहीं है, ये बस जाएगी सिमराई तक, सब इधर ही हाल है। सिमराई एक चीज़ अच्छा है, फिर चेंज कर, इधर का रोड सही है, यहाँ से सुपौल है वैसा रोड नहीं है, रोड सही है, बस ये बस चेंज कर पूर्णिया, दो ढाई घंटा आधे घंटे लगना है वहाँ से, एक घंटा लगभग जैसा, फिर बहुत सही रोड है। तो पूर्णिया में मिलते हैं, पूर्णिया में दिखाएंगे वहाँ का प्लांट कैसा है, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वहाँ दिखाएंगे। बने रहिए। Eyes embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broke.
broken. It's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. गाइस, एक बैड न्यूज़ ये है कि मेरा फ़ोन का बैटरी डेड होने वाला है और मैं सारा शूट करता हूँ फ़ोन से ही करता हूँ, तो मैं आगे कुछ दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ बैटरी बचा के रखना है पूर्णिया भी पहुँचने में, अभी भी 2-3 घंटे है। तो गाइस कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे ऐसे में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं पूर्णिया में, तो मैं कभी आऊँगा तो फिर दिखाऊँगा, वहाँ का प्लान दिखाऊँगा या आस पास का जो भी विजिट होंगे कर सकते हैं। तो इस बार रहने देते हैं, अगले बार किसी और वीडियो में क्लिप बना रही।